हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एमएससी बॉटनी के थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। और फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस मैं आपको पहले प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस। तो मैं हूँ सोनम जैन, चलिए देखते कौन कौन से पेपर होंगे, क्या सिलेबस होगा और क्या पैटर्न है और कौन सी बुक से आप पढ़ेंगे तो बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस एग्जाम में कर पाएंगे, राइट गाइस। और हमने पुराने ओल्डेस्ट पेपर भी अपलोड किए हुए हैं, वो भी एक प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। चलिए आपका जो CBCS पैटर्न पर डिपेंड करता है, MSc बॉटनी थर्ड सेमेस्टर 301 बेसिक बायोटेक्नोलॉजी। यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 सजेस्ट बुक्स302 जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड आपका जीनोम्स पेपर जो सेकंड है वो है यूनिट 1 जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिक कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल एंड स्कोप्स पढ़ना है। यूनिट 2 क्लोनिंग वेक्टर्स इसके बारे में पढ़ना है, रिलेटेड है पूरी यूनिट। यूनिट 3 जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स वेक्टर्स ये चीज़ें पढ़नी है। यूनिट 4 जीन ट्रांसफर इन एनिमल। यूनिट 5 देन सजेस्ट बुक्स। इनके बहुत सारे एडिशन हैं, नए नए एडिशन्स भी निकालते रहते हैं, आपको लैब वगैरह में सब जगह मिल जाएगी। और 303 प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 5 सजेस्ट बुक्स अब आ जाता है 304 पेपर नंबर 4th है। और इस पेपर में चॉइस एनी वन है, आप कोई भी एक पेपर को चॉइस कर सकते हैं, बहुत सारे पेपर हैं यहाँ पे, जैसे प्लांट हम डिस्कस कर ही रहे हैं आगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले पेपर नंबर 1 MSc 3rd का 304 का इलेक्टिव में प्लांट पैथोलॉजी। यूनिट 1 जनरल जो प्रिंसिपल्स हैं इसके पैथोलॉजी के। यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट नंबर 5 एंड सजेस्टेड टू बुक्स। इस वाले पेपर को कौन सी बुक्स पढ़ेंगे तो बेस्ट होगा, अलग अलग एडिशन है पैथोलॉजी के, अलग अलग राइटर्स के, लेबोरेटरी एक्सरसाइज भी है इसमें।
पेपर नंबर 304 का ही बी पेपर है आपका, यूटिलाइजेशन एंड कन्वर्सेशन ऑफ प्लांट रिसोर्स। यूनिट नंबर 1 प्लांट बायोडाइवर्सिटी। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, देन यूनिट नंबर 5 देन सजेस्ट बुक्स। बहुत सारी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं। आपका सी है इथनो बॉटनी, और इसमें हम चलिए इसका सिलेबस देखते हैं। यूनिट नंबर 1 वही डेफिनेशन स्कोप ऑफ इथनो बॉटनी। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, देन रिगार्डिंग्स जो बुक्स हैं वो बेस्ट बुक्स हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कौन कौन सी बुक से बेटर पढ़ेंगे। थ्री जीरो फोर इन्वायरमेंटल साइंस, यूनिट 2, यूनिट 3 करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज, यूनिट 4 एनर्जी प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यूनिट 5 इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और 3 और 4 सिलेबस पूरा डिस्कस है, ओल्डेस्ट पेपर भी अपलोड किए हुए हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। थ्री जीरो फोर का ई है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। हेलो, यूनिट नंबर 5 सजेसिंग जो बुक्स हैं, ये टॉपिक आपको किसे पढ़ना चाहिए, ये पेपर किसे पढ़ेंगे, तो ये आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। आप इन राइटर्स की बुक से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेबोरेटरी एक्सरसाइजेस भी यहाँ पे शो हो रही है। वैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये आपको आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। थ्री जीरो फोर का एफ ए फॉरेस्ट इकोलॉजी। यूनिट 1 है इसमें फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट पढ़ना है आपको। फॉरेस्ट टाइप, फॉरेस्ट कंपोजिशन, फॉरेस्ट मैपिंग के ऊपर है यूनिट नंबर 3। यूनिट 4 फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यूनिट नंबर 5 कौन सी बुकों से पढ़ना बेस्ट होगा, तो ये आपको बुक्स शो हो रही है स्क्रीन पर, आप इन बुकों से जो है पढ़ सकते हैं। लेबोरेटरी एक्सरसाइज भी आपको शो हो रही हैं, आप चाहें तो इनको देख सकते हैं। थ्री जीरो फोर का है प्लांट टिश्यू एंड कल्चर। यूनिट 1 प्लांट सेल एंड टिश्यू कल्चर के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, स्कोप। यूनिट 2 में टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर। यूनिट 3 में आपको ऑर्गेनिज्म एंड आपका टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4, यूनिट 5 देन सजेस्ट बुक्स।
की लेबोरेटरी एक्सरसाइज। बेस्ट थ्योरी पेपर आपने देखे हैं, 3 तक तो कंपलसरी है सारे पेपर, और उसके बाद में 4th वाला आपको डिसाइड करना आप कौन सा लेते हैं, एक्स वाई जेड जैसा भी आप लेना चाहें। और उसके बाद में ये लेबोरेटरी एक्सरसाइज है। थ्री ज़ीरो टू पेपर की ये लेबोरेटरी एक्सरसाइज है। प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की ये फिजिक आपकी लेबोरेटरी एक्सरसाइज है। और बाकी की पेपर की हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे एमएससी 4th सेमेस्टर की। अब 4th सेमेस्टर की अगर हम बात करेंगे तो 4th सेमेस्टर के अंदर देखिए यहाँ पे कोर्स कोड टाइप ऑफ द कोर्स और कोर्स टाइप, जैसे कि आपका पीजी 401 है आपका जो मेजर प्रोजेक्ट वर्क करना है आपको, जैसे इसके अंदर प्रोजेक्ट वर्क करना है, और पीजी 402 में भी प्रोजेक्ट वर्क करना है, फिर 403 आएगा रिव्यू राइटिंग, और अलग अलग टाइप से पूरा स्केल दिया हुआ है तो उसको आपको यहाँ पर अटेंड करना है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं इसको भी यहाँ पर। क्रेडिट्स बेस्ड सिस्टम क्या है क्या नहीं आपने देख ही लिया, क्या प्लानिंग है प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2, यानी कि आपका मेजर प्रोजेक्ट वर्क इंडस्ट्री और द जो आपका डिपार्टमेंट होगा उसको लेके करना है, और इसके अंदर माइनर प्रोजेक्ट वर्क करना है, फील्ड ट्रिप विजिट प्लेस, ठीक है, ये आपके कोर पेपर होंगे। अब आ जाता है आपका 403 रिव्यू एंड राइटिंग, और इसके अंदर आपको यहाँ पर स्टूडेंट बेसिक जो एक्सेप्टेंस सर्चिंग एंड जो कह सकते हैं आप पे कंप्लीटिंग जो लिटरेचर एंड राइटिंग ए रिव्यू उसको देखना है, और 404 में सेमिनार ग्रुप डिस्कशन करना है आपको, और 405 में पोस्ट आपका प्रेजेंटेशन होगा, और लर्निंग वही ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग अलग अलग टाइप से पूछे जाएंगे। पार्ट सी सिलेबस ऑफ द स्केल डेवलपमेंट इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पेपर हैं ये सी वाले। EDC 01, EDC 02, EDC 03 और EDC 04, 4 क्रेडिट के 1st, 2nd, 3rd and 4th सेमेस्टर में अलग अलग होंगे ये, और ये ऑप्शनल रहेगा यहाँ पर। इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट 101 उसका सिलेबस हम देख रहे हैं यहाँ पर, यूनिट 1, यूनिट 2nd, यूनिट 3rd जैसे सर्च ऑफ बिजनेस आइडिया, यूनिट 4th में रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मार्केट, और ये किससे पढ़ेंगे तो ये बुक्स और राइटर्स के नेम दिए हुए हैं, आप उन बुक्स और राइटर्स से पढ़ सकते हैं। कम्युनिकेशन स्केल EDC 02 यूनिट 1, यूनिट 2nd, यूनिट 3rd, यूनिट 4th, यूनिट 5th एंड रिगार्डिंग बुक्स। पर्सनालिटी डेवलपमेंट EDC 03 यूनिट 1, यूनिट 2nd, यूनिट 3rd, यूनिट 4th, यूनिट 5th, देन रिगार्डिंग बुक्स। टूरिज्म मैनेजमेंट 04 मतलब 004 यूनिट 1, यूनिट 2nd, यूनिट 3rd, यूनिट 4th, यूनिट 5th, देन लास्ट रिगार्डिंग बुक्स। एंड थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर वीडियो, और आपको कोई सवाल है कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। साथ ही साथ में ओल्डेस्ट पेपर भी अपलोड है, वो आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ ही मैच कर रहे हैं तो वो भी आपको काफ़ी कुछ हेल्प करेंगे।